मैं प्रगति राय, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट होम साइंस, जिसमें आप पढ़ रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताया जा रहा था। प्रोटीन, लास्ट के वीडियो में प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा था, तो प्रोटीन का इतिहास आपने जाना कि प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, प्रोटीन का मानव जीवन में क्या महत्व है। इसके आगे आपको पढ़ना है प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी आपने वर्गीकरण पढ़ा हुआ था, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर बांटा गया है। उसी प्रकार प्रोटीन को भी वर्गीकृत किया गया है, जो कि आपको तीन पार्ट में दिखेंगे। यहाँ पे प्रोटीन सबसे पहले गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया है, यानी इसके गुणों के आधार पर बांटा गया है। सेकंड आपको दिखेगा भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, यानी जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो भौतिक गुण और इसके घुलनशीलता के आधार पर बांटे गए हैं। और लास्ट आपका है जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर, यानी जो प्रोटीन प्राप्ति के साधन है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। गुणवत्ता के आधार पर सबसे पहले आपको दिखेगा पूर्ण प्रोटीन, या फिर इसको आप उत्तम प्रोटीन भी कह सकते हैं, उत्तम प्रोटीन या उत्कृष्ट प्रोटीन, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है पूर्ण, यानी हम जो भी भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन पाया जा रहा है, उसमें पूर्ण रूप से प्रोटीन पाया जाता है। बेसिकली जो प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं, जैसे आपका दही, मांस, मछली, अंडे, यकृत, दूध, इन सारे में प्रोटीन पूर्ण रूप से पाया जाता है, यानी प्रोटीन का जो गुण है वो गुणवत्ता के आधार पर इसमें पूर्ण रूप से प्रोटीन पाया जाता है, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन। सेकंड है आंशिक पूर्ण, या फिर आंशिक पूर्ण या फिर मध्यम, इसको मध्यम भी कहते हैं, यानी इसमें एवरेज में प्रोटीन पाया जाता है, ना ही बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। जैसे कि वनस्पति जगत से प्राप्त जो प्रोटीन है, जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि, इस प्रोटीन में जो आंशिक प्रोटीन या फिर मध्यम प्रोटीन होते हैं, इसमें लाइसिन पाया जाता है, इसमें लाइसिन पाया जाता है, जो कि मध्यम श्रेणी में आते हैं गुणवत्ता के आधार पर। और जो उत्कृष्ट साधन है या फिर उत्तम कोटि के जो प्रोटीन है, उसमें ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, यानी आप जब रासायनिक गुण के आधार पर उसका वर्गीकरण देखेंगे, यानी इसमें कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से जो ट्रिप्टोफैन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और लाइसिन मध्यम माना जाता है। थर्ड आप देखेंगे अपूर्ण, अपूर्ण यानी ऐसे प्रोटीन जो नहीं के बराबर पाए जा रहे हैं, वो अपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इसमें जो अपूर्ण प्रोटीन है वो वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये किसी काम का नहीं होता है, जैसे नाम से ही पता चल अपूर्ण, लेकिन जब अपूर्ण प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन के साथ में सेवन किया जाए तो इसका काम भी होने लगता है, यानी अगर सिंगल रूप में अपूर्ण प्रोटीन का सेवन किया जा रहा है तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन पूर्ण प्रोटीन के साथ मिलाकर अगर इसका सेवन किया जा रहा है तो ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे कुछ सब्जियाँ हैं, मक्के, कंदमूल, इन सब में प्रोटीन एकदम न्यून मात्रा में पाया जाता है, जिसको अपूर्ण प्रोटीन के रूप में देखा जाता है। आगे देखते हैं, अब प्राप्ति साधन के आधार पर, तो प्राप्ति साधन के आधार पर आपको दो दिखेंगे, एक वनस्पति जगत और दूसरा प्राणी जगत। तो वनस्पति जगत में जितने भी बीन्स हैं, जैसे दाल, फिर सोयाबीन, इसके अलावा मटर, ये सारे वनस्पति जगत से प्राप्त स्रोत हो जाएंगे। प्राणी जगत में मांस, मछली, अंडे, यकृत, दूध, दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, ये सभी प्राणी जगत के स्रोत हो जाएंगे।
अब थर्ड देखते हैं भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, तो इसमें साधारण, संयुग्मी और उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन, यानी इसको भी तीन भाग में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन यानी जो इस प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, यानी ये बेसिकली जब प्रोटीन का सेवन हम करते हैं और हमारे शरीर में जाकर प्रोटीन सबसे सरलतम रूप में विभक्त होता है पाचन के बाद, तो वो एमिनो एसिड के रूप में विभक्त होता है। तो वही है, यानी इस प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के रूप में होता है, जो प्रोटीन का जल अपघटन के उपरांत में सबसे छोटी इकाई में टूट जाता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। सेकेंड है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन यानी इसको संयुक्त प्रोटीन भी कहते हैं। यानी प्रोटीन का कोई एक हिस्सा जब अन्य किसी पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करता है तो उसको संयुक्त प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। यानी अन्य पोषक तत्वों में जैसे अगर कोई भी साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन प्लस अगर कार्बोज मिल रहा है इसके साथ, तो ये एक नए रूप में चेंज हो जाता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी प्रकार जब साधारण प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल एक साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये जो साधारण प्रोटीन है ये वसा के साथ कार्य कर रहा है, तो वसा के साथ कार्य करने पे इस ये चेंज हो जाता है लाइकोप्रोटीन में। यानी वसा और लिपिड एक साथ कार्य करते हैं तो लाइकोप्रोटीन में चेंज हो जा रहा है। इसी प्रकार साधारण प्रोटीन और ग्लोबिन एक साथ कार्य कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। साधारण प्रोटीन और फास्फोरस एक साथ कार्य कर रहे हैं तो फास्फोप्रोटीन बन जाते हैं। यानी साधारण प्रोटीन और एक कोई अन्य पोषक तत्व तो एक साथ मिलते हैं, इसको संयुक्त प्रोटीन कहा गया है, तो वो संयुग्मी प्रोटीन बन जाते हैं, एक नए रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन। ये जो भौतिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, यानी जो हमने प्रोटीन को ग्रहण किया है भोज्य पदार्थों के माध्यम से, या जब ताप के प्रभाव में आता है हमारे शरीर में जो भी भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, शरीर पे जो भी दबाव पड़ रहा है, हमारे शरीर में जितने भी पाचन रस हैं, तो जितनी भी आंतरिक क्रियाएँ हैं, तो आंतरिक क्रियाओं के पश्चात प्रोटीन जब आंशिक रूप में विखंडन होता है तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में हो जाता है। तो ये था प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी तीन प्रकार से प्रोटीन को बांटा गया है। अब आप देखिए प्रोटीन में प्रमुख रासायनिक तत्वों का प्रतिशत, यानी प्रोटीन में कितने रासायनिक तत्व पाए जाते हैं और किस प्रतिशत में है। तो इसके पहले जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस ये तीन थे, नाइट्रोजन नहीं था। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है और सल्फर और फास्फोरस भी अल्प रूप में मौजूद होता है, तो इसीलिए ये बाकी पोषक तत्वों से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये निर्माण के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है 50%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर फास्फोरस 3-3%। यानी इसमें नाइट्रोजन अलग रूप में कार्य कर रहा है बाकी के पोषक तत्वों के हिसाब से। और प्रोटीन जब हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जाता है, जब जल के साथ क्रिया करता है, यानी पाचन का जब इसमें क्रिया हो रहा है, तो अपने सबसे सरलतम रूप में विभक्त हो जा रहा है जिसको एमिनो एसिड कहते हैं। और एमिनो एसिड प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई है, यानी आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया गया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यह अपने सबसे छोटे छोटे रूप में विभक्त हो जाते हैं,
तो वही आपका अमीनो एसिड अमीनो अम्ल ही है जो प्रोटीन के रूप में विभक्त होकर सबसे सरलतम रूप में हमारे शरीर में मौजूद हो जा रहा है। अब तक अगर देखा जाए तो अब तक 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चला है जो हमारे भोजन और शरीर में पाए जाते हैं, यानी शरीर में भी किसी न किसी रूप में वो मौजूद हैं और भोजन के माध्यम से भी हम इन अमीनो अम्ल का सेवन करते हैं। यानी 22 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चला है जिसमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें जैसे हमारे शरीर में इनकी अगर कमी हो जा रही है तो शरीर की वृद्धि रुक जा रही है, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं हो रहा है, यानी जो हमारी क्रियाशीलता है जिस प्रकार से हमारी बॉडी एक्टिविटी है उसी प्रकार से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, नष्ट होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं और उन्हें फिर से रिकवर करने का कार्य प्रोटीन करता है। तो 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं हमारे शरीर में जो स्पेशली इन पे काम करते हैं, जैसे हिस्टिडीन, ल्यूसीन, इसके अलावा आइसोल्यूसीन, लाइसीन, अर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, यानी 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिप्टोफैन। ऐसे तो 10ों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन ट्रिप्टोफैन हमारे वृद्धि विकास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो ट्रिप्टोफैन होता है ये इसकी प्राप्ति के लिए, यानी प्रोटीन का जो वर्गीकरण आपने पढ़ा है उसमें प्राणी जगत भी है और वनस्पति जगत भी है, तो ट्रिप्टोफैन वृद्धि विकास के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो कि स्पेशली नॉनवेज के आइटम में पाए जाते हैं, यानी प्राणी भोज्य पदार्थों में ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, यकृत, यानी दूध एवं दूध से बने हुए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसमें ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे में भी ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी 10 अमीनो एसिड हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनके निर्माण के लिए, उनके रिकवर के लिए अमीनो एसिड, 10 प्रकार के अमीनो एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपका था प्रोटीन। प्रोटीन का रासायनिक जो संगठन है कितने प्रतिशत में पाया जा रहा है, इसके अलावा प्रोटीन का वर्गीकरण 3 भागों में आपको बताया गया है। तो आज का प्रोटीन का टॉपिक यहीं पे आपका ख़त्म होता है, लेकिन प्रोटीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोटीन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन के जो कार्य हैं और इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं यानी अन्य जो भी स्रोत हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो आपका वीडियो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।